मुखिया के, मुखिया तो फरार बारे। ये पंचायत में सब लोग आते हैं एथी करने के, रिक्वायर्ड करने के लिए, कुछ भी नहीं होता है, कोकर जाते हैं लोग और का हो जाता है वहीं तकले समाप्त होता है। पंचायत का कोई विकास है तो आप लोग सभी को ही बता दे। सब घपलाबाजी हो रहा है एकदम से पंचायत में। डीलर के पास जाते हैं तो बोलता है कि मशीन खराब है, तो शाम को आओ तो सुबह में आओ। पाइप सब डैमेज बा, फूटल बा, या सोजल पूरा रास्ता भवन बहुत दिन से ही सूखल पड़ल बा नल। नमस्कार, वह देखतन झलको गोपालगंज, हम राजेश, अभी हम बनी कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के सासा मूसा पंचायत में। यही जाने पंचायत के ग्राउंड रिपोर्ट बनाओ तनी, ग्राउंड रिपोर्ट में जाने एजन के जनबा स्थानीय लोग का समस्या बा पंचायत के, और कोना प्रकार के सुविधा मिलत है पंचायत में। कभी रोड के निर्माण भेल, रोड के निर्माण भैले हो गए 3-4 साल, आ 3-4 साल में ध्वस्त हो गए, टूट गए। लोग अपना आवे जाए खाई तनी ईटा माटी भर के अगर के मन जाए आओगे रास्ता ना, तो काफ़ी परेशानी होता। ऐसे NH पर से डायरेक्ट गांव में जाए के यह एगो मैंने मुख्य मार्ग बा पहला। तो ये मान ली जब टूटल ही तो जन NH से आवे बहुत देखा था कि सड़क सड़क जन बाकी चालू बा, तो केकरा जन बाकी सहयोग से निर्माण कर गए मुखिया जी के, मुखिया जी सहयोग से। तो टूटल तो ये स्थाई लोग भर लगे मुखिया जी के, ना ना अपना से स्थाई लोग अपना से चंदा लगा के अगर भर लगे, चंदा लगा के भरल गई। तब अभी दिक्कत होला कि ना? दिक्कत होत नहीं क्या, जाए में दिक्कत होता। अरे तो रोड तो ट्रक आई लोई में टूटल, बालू लोड होके आई रहा में रोड डैमेज भे तो टूट गए, तो आवे जाए में दिक्कत होते रही। आवे जाए में कम दिक्कत भैल, हाँ दे लोगन आई तो माटी उटी गाँव के लोग सब भीड़ के लोग भरल कोई लटे तो लोग हेलत टयावता जाता। और लॉकडाउन जन चलता अभी तो लॉकडाउन से मान ली सारा रोजगार बंद हो गई, का काम करे निर्वाह? हम तो किसानी अपन करनी, खेती बाड़ी करनी। हाँ तो लॉकडाउन के कोना प्रकार के पालन होता गांव में? गांव में अपन लोग अपन सुरक्षा अपने करत अटे, एमे जनता जनार्दन अपन सुविधा देखत अटे, जे हमरा के तरिया रहे के बा, के तरिया बचाव करे के बटे, वही तरिया अपन बच के लोग जाता आवता। गांव में कितना लोग मर गए बा? अबे कुल के तो जिम्मा हम ना लेब, लेकिन 8-9 आदमी गांव में मर गए बड़े अभी ले। माने पंचायत में कौन प्रकार के विकास खोजे चाहता नहीं? पंचायत में हर तरह के विकास बा, जैसे मान ली कहीं रोडे टूट गया है का सरकार नहीं देख रहा है। मुखिया जी से हम ना बात करनी है, ये वजह से जो मुखिया जी से कहे के माने बात जो जनवाई मुखिया जी के लिए, तब ना मुखिया जी करही चाहे केहू कराई, बाकी हो जो हो ना चावल जाता झूठ है। लॉकडाउन के जन बाबे कोरोना से बचाव खातिर जन लॉकडाउन लाल बा, तो मुखिया या वार्ड के प्रति जागरूक कर जाता कि ना? ना ना कुछ ना कुछ ना, मुखिया के मुखिया तो फरार बारे कहे कहे मुखिया इतना ना गलत काम करता रहे कि लोग उनकरा से चिड़ गए बा, और लोग के फंसावे ला काम करता रहे, खाली लोग के फंसावे ला कोनो चीज में, परिवार के एक में केहू के ना होके दिले, लोग के परिवार में जाकर झगड़ा लगावे ले और लोग के जेल में करवावे ले फंसवावे ले। तो पंचायत पंचायत के सैनिटाइज वाला काम भइल बा कि ना? कुछ नहीं का भइल बा, ना मास्क मास्क बटाइल बा पंचायत में? बाक मास्क कहाँ बटाइल बा, मास्क बटाई रही थी गमछी बांध के घूमती जा। नल के जो योजना चलता हर घर नल के जल, तो पंचायत में जन बा कि पाइप चारों तरफ लागल बा, पानी ना आवेला, कहीं टूटल बा कहीं के वही में ना करेला पानी। देख सको तनी नल के जगह स्थिति बा, लगता कि बहुत दिन से ही सूखल पड़ल बा नल। देख सको तनी लोग कोई देखिए खोल के देखा जा, देखिए नल में जा अभी जन बा कि कब से पानी नहीं आवत। फिलहाल पानी एक महीना से ऊपर हो गए, टूट गई बा 3-4 जगह, टूटल तब सब बनबे ना कैला अल्ले, कब कब खोलल जाला वही से बटक के चलाहूँ वाला नहीं क्या, अपना से खोलल जाला कब कब आधा पानी रास्ते में बह जाला, ऐसे बंद कर दे ऊपर कहे आधा रास्ते पाइप सब डैमेज बा, फूटल बा से उजल पूरा रास्ता भवन, सब पाइप फूट गई बा, फूट गई बा, जैसे कि मरमते ना भल, जब से लागल ओकरा बाद से फिर दोबारा ई पर रिपेयरिंग ना भल, मरम वहीं एगो वहीं रह, तो सब जगह जन बा कि ऐसे ही पड़ल हुई नल मोटा मोटा वहीं पानी ना टपक हुई ना ना बड़ा दिक्कत होते पानी के, तो चलबे ना कर लब वहीं बंद पड़ल बा। अब अपना कल से जन घर कल बनल बा वैसे काम चले ला अपन जो पहले चलत लोग चलता। तो लॉकडाउन कौन प्रकार के गाँव में पालन होता? लॉकडाउन के बड़ा दहशत के माहौल बा, ऐसे कि कोरोना से यह 3-4 आदमी के डेथ हो गई बा, आ अभी तक पंचायत के द्वारा कोनो मने बढ़िया कदम नहीं है उठाओल गए, जैसे आदमी के अंदर कुछ मने अभी ले तब केहू के वैक्सीन हमारा बुझा था 2% जे अपना से स्वेच्छा से जाकर लगल लगे ना, तो वैक्सीनो नहीं खेल मैंने सब लोग डर डर के जी रहा बा मने अपना अपने अथी में, ऐसे कि पंचायत के मान लीजिए प्रतिनिधि ओकरा द्वारा कोनो ऐसा कदम नहीं है उठाओल गए, जैसे मने पब्लिक के कुछ मने राहत मिलो।
तो अभी युवा वर्ग के लोग के वैक्सीन अभी केहू के नहीं खेला देखी जन बा कि ये सासा मूसा पंचायत में किसान बानी यहाँ से बात कैली लॉकडाउन में खेती करे में तो कोनो दिक्कत नहीं है चूँकि अभी जन बा कि धान के बीज बिछड़ा जन बा कि छिड़काव कर ले तब यहाँ किसान बन यहाँ से बात कर ले अभी कौन चीज के बीज छिड़का तनी धान के हाँ। तो अभी लॉकडाउन से दुकान उकान बंद रहता है तो बीज लेवे में दिक्कत नहीं है न दुकान से ले बनी तो ब्लॉक से ना मिलल अनुदानित बीज देवल जाता ब्लॉक से ना के दीवा होता ब्लॉक से हर साल बीज मिलेला के देवाई हाँ। हमनी के किसान के का जी किसान के देवाले वाला आदमी चाहिए नु हमनी के अपन दुकान से किन के ले आके छिटत है भैया को रुपए किलो किन ले बनी है भाई भैया हमरा लड़का किन के ले आइल बड़े हम छिटत है दुकान से ले आओ तो ज्यादा पैसा लागत है हां तो हमरा लड़का किन के ले आइल बड़े हम छिटत है नहीं इरो सरकारी ब्लॉक से मिली तो सस्ता पड़ी तो कहां सरकार से मिलत इतना पैसा लगा के जन महंगा खेती करत है नहीं तो इससे फायदा ज्यादा होता है कि नुकसान में जाता ये जो नुकसान में जाता तब का कर जाओ किसान बन जाए तो का खाइल पियल जाए मेहनत तो अपना हाथे करता नहीं जा तो कुछ हमने साधन होता और सुखा रह जाता तो खत्म हो जाता सोहता नहीं जा रहते नहीं बीजा छिटत नहीं जाना रख लेते तो 300-400 लीटर तब नहीं थी हुई तो यही सब कुछ साधन होता देखी जन कि नाला के पानी रोड पर बहता तो महिला यहाँ से पानी बात कर ली नाला के पानी क्या है रोड पर बहता अब क्या हम कहा हमरा कौन हमरा लगे बाजी हम उसको सुविधा करी हम गरीब आदमी कहाँ से करी बताई तो नाला का निर्माण नहीं क्या भैया ना नहीं क्या भैया कहाँ भैया कब से ये पानी जन्म रोड पर बहुत आवे तो अभी कब से कितना दिन हो गई पानी बहुत आवे कितना दिन 2-4 दिन हो गए कि 10-20 साल हो गए 10 साल बाकी कई साल हो गए तो नल जल के पानी आवे ला नल में पानी अब दुनिया जमा तो देखते बोल नहीं बनी राशन कार्ड काहे नहीं के बनल 6 महीना पहले बना हुआ था राशन कार्ड उसके बाद वो बोल रहे हैं नाम जुड़ गया अभी तक नाम नहीं जुड़ा है डीलर के पास जाते हैं तो बोलता है कि मशीन खराब है तो शाम को आओ तो सुबह में आओ और मुखिया जी 6 महीना पहले नाम जुड़वाए थे अभी तक नाम नहीं जुड़ा है सब घपलाबाजी हो रहा है एकदम से पंचायत में तो अभी रोजगार बंद बा लॉकडाउन के दौरान तो कैसे खर्चा चलत है घर के मान ली कुछ राशन सहायता राशि के रूप में तो मिलत ला कुछ सहायता राशि भी मिलल उ लॉकडाउन में एने तो राशन देवे के कुछ केहू कुछ कौन केहू के हेल्प नहीं करत आवे हम लोगों से वैक्सीन लेवे सुई देवे तब न डॉक्टर आई महीना कहता है 35-40 दिन पर एक दफे आया उसके बाद कोई जानकारी जनता से नहीं मिला कि ये वैक्सीन होगा या नहीं होगा कोई जी कोई इन बताया मालूम नहीं हुआ हम लोग किसी जनता को या का दिनांक है सो सुई पड़ेगा या वैक्सीन होगा जो भी होगा तो कोई जनता से इन्फॉर्म कीजिएगा तो हम जनता जानेगा गलती कहते हैं सुविधा नहीं के नाला के आज ले नाला है जी बोलने नहीं के तो अब का बताएं सर नाला हमने का होश में बोलने नहीं के तो जनबा पानी जनबा गड्ढा में इकट्ठा रहता तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलत हो पानी से हाँ होते बा पानी जब जमा होता संक्रामक रोग होते बा केहू का अब अपना अपनी के लोग गड्ढा खून के अब बनौले बा देख सकते निर्वलगुन सासा मूसा पंचायत में जन बा कि स्वास्थ्य केंद्र बा देख सकते निर्वलगुन की चारों तरफ के शीशा फूट गए बा स्वास्थ्य केंद्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सासा मूसा एजा जन बा कि लिखल बा एजा ताला लागल बा आ चारों तरफ के जन बा के शीशा फूट गए बा जौन के वजह से एजा के स्थानीय लोग के भी गुस्सा एकदम फूट रहल बा शीशा के तरह जैसे चारों तरफ देखिए सड़क के जन बा कि ये सड़क बा पानी भर गई बा एकदम कचरा हो गई बा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ कि एजा के मरीज के जन बा ठीक कर दिला जन बा कि पानी भर गला से कचरा के वजह से हमरा लगा था कि मरीज खुद आके जब बीमार हो सकता रहा जौना के वजह से हो सकता कहीं ना कहीं एक वजह से ताला लागल हुई इस रोलन के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी सब्सक्राइब करी शेयर करी वीडियो रोलन के यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखे के मिली धन्यवाद।